हेलो, वेलकम बैक टू माय चैनल इंग्लिश साहित्या। इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू स्टार्ट क्लास सेवेंथ इंग्लिश एनसीईआरटी हनीकॉम यूनिट फिफ्थ। पोम का नाम है ट्रीज, रिटन बाय शेरली बॉर। सो अगर आपने चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सबसे पहले चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि आपकी कोई भी वीडियो मिस ना हो। जैसे इससे पहले मैंने 5 यूनिट को कम्प्लीट कर दिया है, तो उसको क्या है आप अच्छे से रीड कर सकते हो, जिसको क्या है ईजिली हिंदी ट्रांसलेट किया है इंग्लिश टू हिंदी। सो फर्स्ट ऑफ ऑल अबाउट द पोइट, कौन है पोइट? शेरली बॉर। शेरली बॉर कौन थी? शेरली बॉर वॉज एन इंग्लिश पोइट हु वॉज बॉर्न इन अ फार्म हाउस इन सीजाना पार्क एंड अक्टूबर 24, 1932। शी वॉज द डॉटर ऑफ इमिल एंड रोज स्मिथ। She then graduated from the McCluskey High School in the year 1962 and then joined the nursing school in Bismarck. For the next 41 years, she served as the nurse at St. Alexius Hospital. She loves to travel and spend time with her friends, and she was also an avid baseball fan. On October 14, 1951, she got married to Melvin Charles in Cesarna Park, and they were happily married for 67 years. They were blessed with 4 children. The poet taught in Sunday school for many years, and she was also founding member of Christian Bible Church. Okay, it's all about poet. So पोम का नाम क्या है? ट्रीज। ट्रीज इट्स रिटन बाय शेरली बॉर। ओके, ट्रीज। सो सबसे पहले हम, जैसे यहाँ पर राइट किया गया है ट्रीज के बारे में, मतलब पोम पढ़ने से पहले हम इसके बारे में कुछ जान लेते हैं। टेक अ फ्यू मिनट्स टू टेल वन अनदर द नेम्स ऑफ ट्रीज दैट यू नो और हैव हर्ड ऑफ। आप जिन वृक्षों के बारे के नाम आप जानते हो उनके, या जिनके बारे में आप सुन चुके हो, हैव हर्ड ऑफ, तो उनके बारे में क्या है, कक्षा में आप क्या है एक दूसरे से डिस्कस करो, एक दूसरे को, अपने क्लासमेट को इसके बारे में डिस्कस करो। एंड मेंशन दी थिंग्स ट्रीज गिव अस, और जो हमें चीज़ें ट्रीज से मिलती है उसके बारे में भी बात करो। देन रीड दिस पोम अबाउट ट्रीज, और उसके बाद क्या है आप ध्यान से क्या है इस पोम के बारे में रीड करो। तो जो ये पोम है शेरली बॉर्स के द्वारा रिटर्न की गई है, इसमें क्या है, The poem trees list many things which make trees so important to living being. Children make tree houses and shavings and play hide and seek around the trees. Adults organize tea party under the trees and get on scenic beauty of pend. And there are so many activities that we do and around the trees. So रिसाइट करते हैं पोम को। फर्स्ट ऑफ ऑल ट्रीज आर फोर बर्ड्स, तो जो राइटर है वो बोल रही है कि जो ट्रीज है वो क्या है, ट्रीज क्या है पक्षियों के लिए है। मतलब यहाँ पर जो राइटर वो कहना चाहती है जो पक्षियों के निवास के लिए क्या है, मतलब पक्षियों का घर है ट्रीज। एंड ट्रीज आर फोर चिल्ड्रंस, और वृक्ष क्या है बच्चों के लिए। मतलब यहाँ पे राइटर कहना चाहती है जो ट्रीज क्या है बच्चों के खेलने के लिए भी यूज़ होते हैं, क्योंकि बच्चे क्या है यहाँ पर इसके आसपास खेलते रहते हैं। ट्रीज आर फॉर टू मेक ट्री हाउस इन, और इन वृक्ष पर इनके क्या है वृक्ष घर भी बनाने के लिए यूज़ किया जाता है। ट्रीज आर फॉर स्विंग्स ऑन, तो इन वृक्षों पर झूला झूलने के लिए भी यूज़ किया जा सकता है। जो ये पेड़ होते क्या है ये झूला झूलने के लिए भी यूज़ किए जा सकती है। ट्रीज आर फॉर द विंड टू ब्लो थ्रो, तो वृक्ष इनमें होकर क्या हवा बहने, ये ट्रीज जो होते हैं वो क्या हवा होकर बहने के लिए है। ट्रीज आर टू हाइड बिहाइंड इन हाइड एंड शिक, और वृक्ष जो होते हैं वो क्या है लुका छिपी का जो खेल होता है उसको खेलने, उसमें इसमें के पीछे छिपने के लिए भी होते हैं। जो पेड़ के पीछे क्या है बच्चे लुका छिपी का जब खेल खेलते हैं तो इसके पीछे छुप भी सकते हैं। ट्रीज आर टू हैव टी पार्टीज अंडर, जो ट्रीज होती है उसके नीचे क्या है टी पार्टीज भी कर सकते हैं। मतलब इसके पेड़ के नीचे छाए, जब ज़्यादा कड़क धूप होती है तो क्या है आप पेड़ के नीचे बैठ के एक टी पार्टीज भी कर सकते हो, जैसे आप क्या रेस्टोरेंट में जाके करते हो। ट्रीज आर फॉर काइट्स टू गेट कैट इन,
जो ट्रीज होती है, जो वृक्ष के पतंगों में के इनमें फंस जाने के लिए भी होती है। जो जब हम पतंग उड़ाते हैं तो कभी कभी क्या होता है, जो हमारी पतंग होती है वो ट्रीज के पेड़ों में फंस जाती है। तो राइटर कह रहे हैं जो ट्रीज होती है वो क्या है, पतंगों को फंसाने के लिए भी होती है। ट्रीज आर फॉर एप्पल्स टू ग्रो ऑन एंड पियर्स। जो वृक्ष वृक्ष होते हैं गर्मी में क्या है, हमें ठंडी ठंडी भी देती है। ट्रीज आर टू मेक कूल शेड इन समर। जो जो ट्रीज होते हैं वो क्या है, हमें गर्मियों में ठंडी ठंडी छाया प्रदान करते हैं। ट्रीज आर टू मेक नो शेड इन विंटर। और सर्दियों में क्या है, पौधे ऐसे पेड़ ऐसे होते हैं जो क्या है, उसकी पत्तियां सारी झड़ जाती है, तो क्या है वो हमें छाया नहीं देते हैं। ट्रीज आर फॉर एप्पल टू ग्रो ऑन दी पियर्स। और ट्रीज क्या होते हैं, जो वृक्ष होते हैं उससे क्या हमें सेब और नाशपाती आता है, मतलब जो फल उगाने के लिए भी होती है जो ट्रीज होते हैं। ट्रीज आर टू चॉप डाउन एंड कॉल टिम्बर। तो जो वृक्ष होते हैं इन्हें क्या काट कर हम क्या है बहुत सारी लकड़ियाँ बना सकते हैं। जितने भी हमारे घर में जो फर्नीचर यूज होते हैं वो क्या है, लकड़ियों के द्वारा ही बनाए जाते हैं। तो लकड़ियों से क्या है हमें फर्नीचर प्राप्त करने के लिए भी यूज कर सकती है। ट्रीज मेक मदर से व्हाट अ लवली पिक्चर टू पेंट। तो ट्रीज के बारे में जो मदर होती है वो कहती है कि रंग भरने के लिए कितनी सुंदर तस्वीर तस्वीर है यहाँ पर, मतलब ये कितनी प्यारी मतलब दृश्य बना सकती है जो ट्रीज है। ट्रीज मेक फादर से। और जो फादर फादर जो होते हैं वो जो पिताजी से ट्रीज क्या कहलवाती है, ट्रीज कहलवाती है व्हाट अ लॉट लॉट ऑफ लीव्स टू रेक दिस फेल। मतलब जो पतझड़ के वजह से जो बहुत सारे लीव्स नीचे झड़ चुके थे, तो उनको जो मतलब पतझड़ को जो क्या है इकट्ठा करने के लिए कितनी सारी पत्तियां हैं। तो फादर्स को क्या लगता है बहुत सारी उसको पत्तियों को क्या है अब इकट्ठा करना पड़ेगा, मतलब बहुत गंदा हो गया नीचे। तो फादर्स क्या कहते हैं, मतलब ट्रीज क्या है बहुत सारी पत्तियों को अपने साथ नीचे लेके आते हैं जो मतलब झड़ जाते हैं उसके। तो इसमें पोएटिक डिवाइस कौन कौन सी यूज हुई है, एनाफोरा। एनाफोरा क्या है, रिपीटेशन ऑफ फ्रेज। ट्रीज आर फोर, तो फॉर्म में क्या है, बार बार रिपीट किया गया है। जो स्टेंजा है उसमें क्या है, फर्स्ट फर्स्ट लाइन 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 के फर्स्ट में क्या है, ट्रीज आर फोर और ट्रीज आर टू। तो ये क्या है, ये एनाफोरा। एलिट्रेशन क्या है, रिपीटेशन जो साउंड होती है। तो उसमें इसमें क्या है, इस फॉर्म में रिपीटेशन के की साउंड हुई है, जैसे काइट्स एंड कॉट। रिपीटेशन ऑफ एम साउंड और एम के साउंड जैसे मेक और मदर में यूज हुई है। रिपीटेशन ऑफ एल की साउंड हुई है, जैसे लॉट और लीव्स। रिपीटेशन ऑफ द पी साउंड ऑल्सो पिक्चर और पेंट में। तो ये क्या है, इसे रिपीटेशन डिवाइस कहा जाता है। ओके, वर्किंग विद क्वेश्चन आंसर। तो इसके क्वेश्चन आंसर क्या क्या है, वर्किंग विद द पोम के क्वेश्चन आंसर है। फर्स्ट क्वेश्चन है व्हाट व्हाट आर द गेम फॉर ह्यूमन एक्टिविटीज विच यूज ट्रीज इन विच ट्रीज आल्सो पार्टिसिपेट। तो वे कौन से खेल है जो क्या है, जो इंसान है जो मानव है वो क्या है पेड़ों जिसमें क्या है पेड़ का उपयोग करते हैं, उसमें जिसमें क्या है पेड़ का उपयोग होता है। तो द गेम ऑफ द ह्यूमन एक्टिविटी विच यूज ट्रीज और इन विच ट्रीज आल्सो पार्टिसिपेटेड आर द फॉलोइंग। किस किस में यूज़ किए जा सकते हैं, जो जिसके साथ क्या है पेड़ों जिसमें क्या हम पेड़ों के साथ गेम खेलते हैं वो हो सकता है, जैसे ट्रीज आर यूज बाय चिल्ड्रन टू हाइड वाइल्ड प्लेइंग हाइड एंड सिक। जब बच्चे क्या है लुका छिपी का खेल खेलते हैं, छिपने के लिए क्या पेड़ का इस्तेमाल कर सकते हैं। चिल्ड्रंस मेक ट्री हाउस टू प्ले, और बच्चे खेलने के लिए पेड़ों पर घर भी बनाते हैं। एडल्ट हैव अ डियर टी पार्टीज अंडर द शेड। तो फॉर्म में ये भी डिस्क्राइब किया, जो एडल्ट होते हैं वो टी पार्टी करते हैं ट्रीज के नीचे। एंड एडल्ट ऑल्सो यूज देम टू सीन अ पेंट, और क्या है इन्हें पेंटिंग बनाने के लिए भी उपयोग किया जाता है। इसका दृश्य मतलब कितना सुंदर होता है उसमें, तो नेचर को यूज़ किया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर टू क्या है, ट्रीज आर टू मेक नो शेड इन विंटर। जो पेड़ जो सर्दियों में क्या पेड़ होते हैं वो छाया नहीं देते हैं। तो व्हाट डज दिस मीन, तो इसका मतलब क्या है, कंट्रास्ट दिस लाइन विद द लाइन लाइन इमिडिएटली बिफोर इट। इसकी इन पंक्तियों की तुलना क्या है इससे ठीक पहले वाले रेखा से करनी है आपको। ट्रीज आर फॉर एप्पल टू ग्रो ऑन और पेयर, पेड़ से उगाने के लिए होते हैं या नाशपाती के लिए। डू यू एग्री दैट वन पर्पस और अ ट्री टू हैव अ फ्रूट ऑन इट, और डू यू थिंक दिस लाइन इज ह्यूमर्स। तो आपको क्या लगता है, जो पेड़ होते हैं वो क्या है, जो पेड़ होते हैं वो क्या है नाशपाती उगाने के लिए और सेब उगाने के लिए होते हैं, इस पर क्या आप सहमत हो। पेड़ का एक ही उद्देश्य होता है, एक उद्देश्य होता है जो उस पर क्या है वो फल लगाना भी है। तो इससे क्या आप एग्री करती हो या ये ह्यूमर्स है, मतलब ये हास्य पर पक गया है। तो इसका आंसर क्या होगा, ट्रीज प्रोवाइड शेड ड्यूरिंग दी
सबसे पहले ही ऊपर वाले का आंसर है कि ट्रीज आर टू मेक अ शेड इन विंटर, तो इसका आंसर क्या होगा, ट्रीज प्रोवाइड द शेड ड्यूरिंग द स्कॉर्चिंग समर, जो जब तपती हुई धूप होती है उस समय क्या है, ट्रीज हमें शेड देती है। ड्यूरिंग द विंटर ट्रीज शेड देयर लीव्स एज पीपुल इंजॉय द सन ड्यूरिंग द विंटर, लेकिन ड्यूरिंग विंटर क्या है, जो ट्रीज होती है वो क्या है, अपने पत्तियों को गिरा देती है, जिससे क्या है, लोग अपने जो सूरज की गर्मी हो उसकी क्या है, उसका इंजॉय कर सके, मतलब सूरज को की धूप को क्या है वो ताप सके। हैंस ट्रीज आर द मेक नो शेड इन विंटर, इसलिए क्या है, जो ट्री होती है वो क्या है, सर्दियों में हमें छाया नहीं देती है। सेकेंड का आंसर, ट्रीज आर एप्पल फूड ग्रो ऑन और पियर्स, तो यस आई एग्री दैट्स ऑन वन पर्पज ऑफ अ ट्री टू प्रोवाइड द फ्रूट इटेबल्स एंड ह्यूमन रिसीव अ लॉट ऑफ इटेबल्स फ्रॉम ट्रीज, तो क्या है, हमें पेड़ों से फल मिलते हैं, इसमें कोई शंका नहीं है, हमें बहुत सारी चीज़ें जो भी हम खाते हैं वो क्या है, हमें नेचर से ही मिलता है, जो भी हम जैसे फल फ्रूट्स सब्जी वेजिटेबल्स जो होते हैं क्या है हमें, और जो हम रोटी वगैरह खाते हैं ये सारी चीज़ें ग्रेन वगैरह भी किससे मिलते हैं, हमें पेड़ पौधों से ही मिलती है। ओके, क्वेश्चन नंबर 3 है, विद द हेल्प ऑफ योर पार्टनर ट्राई टू रीराइट सम लाइंस इन द पोएम एंड ऐड वन न्यू वंस ऑफ योर ओन एज इन द फॉलोइंग एग्जांपल, ट्रीज आर फोर बर्ड्स टू बिल्ड नेक्स्ट इन, ट्रीज आर फोर पीपल टू सिट अंडर, नाउ ट्राई टू कंपोज अ सिमिलर पोएम अबाउट द वाटर और एयर, तो आपको क्या है ऐसे ही पोम को बनाना है जिसकी 2 लाइन्स हो और इससे भी ज़्यादा लाइन्स बना सकते हो, तो ये क्या है बहुत ईजी है, जैसे ही मैंने यहाँ पर आपके लिए बना दिया, और आप खुद से भी क्रिएटिव हो सकते हो, मतलब पोएट बन सकते हो, मतलब पोएम 2 लाइन कोई भी लिख सकता है, तो आप खुद से अपनी 2 लाइन भी बना सकते हो। जैसे यहाँ पे मैंने 2 लाइन बनाई है, उस कौन सी है, एयर इज़ फॉर पीपल टू ब्रीथ इन, एयर इज़ फॉर काइट्स टू फ्लाई हाई इन द स्काई। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब एंड लाइक एंड शेयर, प्लीज़ आप चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिए, अगर आप चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करते हो तो मैं आपके लिए और अच्छी अच्छी वीडियो बना सकती हूँ। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग।